वेलकम बैक टू द शो। जी हाँ, रेडियो देसी वाइव 91.9 एफएम और मैं पंकज आपका होस्ट, आपका दोस्त, लेकर आपके लिए एंटरटेनमेंट के डोज। और यहाँ पर चल रही है बहुत सारी मस्ती, क्योंकि आज है सैटरडे। सैटरडे यार बोलते रहते हैं, सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है कुड़ी, सैटरडे सैटरडे। लेकिन ये भी करना आपने, क्योंकि वीकेंड की मस्ती जो है ना वो जरूरी है। और इसके साथ में बहुत सारी बातें, एक आज बात करेंगे, एक मुलाकात करेंगे उनके साथ, जिनका कहना है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई हलचल है, कहते हैं कि जब तालाब के अंदर पानी ठहरा होता है ना, उसमें कंकर मारो तो बहुत सारी लहरें दिखने को मिलती हैं, चलते पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं पर आपकी जिंदगी में कहीं पानी ठहरा हुआ है, यानी कि आपकी जिंदगी में कहीं पर कोई उतार चढ़ाव है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लाइफ में सबके ही आते हैं, ऐसी बात नहीं। और हमारे साथ इन सारी चीजों के समाधान लेकर एस्ट्रोलॉजर नवनीत जी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया जुड़े हुए हैं, वेलकम करते हैं उनका। यकीन मानिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो आपको ज्ञान देते हैं, आपकी परेशानियों का हल देते हैं, आपकी परेशानियों का समाधान देते हैं। और सबसे पहले नवनीत जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे रेडियो 91.9 एफएम देसी वाइब्स के ऊपर। नवनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम करते हैं सर आपका, कैसे हैं आप? थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत नमस्कार और सुनने वालों को बहुत सत श्री अकाल, आदाब, और प्रभु सबकी घरों में खुशियां लेकर आए, ये मैं चाहता हूँ। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आपके साथ जुड़ने के लिए आपके रेडियो स्टेशन पे। सर ये अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना सर, ये इजी नहीं है। आप देखिए, हर एक बंदे के जीवन में कहीं ना कहीं पर कोई उथल पुथल मची हुई है। कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कि एक जगजीत सिंह जी के ना, मुझे एक गजल का एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि वो बोलते हैं कि जिंदगी चलती रहेगी लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं पर गम जरूर है। कहते हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो कहीं पर जमीन तो कहीं पर आसमान नहीं मिलता। हाँ, तो हर बंदे को कहीं ना कहीं पर कुछ चाहिए होता है, वो कहते हैं मैं इससे खुश नहीं हूँ, मुझे वो चाहिए था। लेकिन कुछ एक बार ऐसा होता है कि लाइफ के अंदर इतनी उथल पुथल होती है, अपनी लाइफ को लेकर समझ नहीं आता कि अब करें तो क्या करें, जहां पर रास्ते बंद दिखते हैं और आंखों के आगे अंधेरा होता है। तो क्या, मैं चाहता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या है या क्या करना चाहिए जिससे जिंदगी की जो उथल पुथल है वो थोड़ी सी कम हो जाए? तो पंकज जी, इसमें ऐसे है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि हमारे ना, अगर हम ऑकल्ट साइंसेस की बात करते हैं, जिसमें ऑकल्ट साइंसेस हो जाते हैं, जैसे आपके आपके न्यूमरोलॉजी है, कोई साइकिक्स है, और फॉर्चून टेलर्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे फॉर्चून टेलर्स हैं, भी आपको पत्ते देख के बता देते हैं, या कोई पहले होते थे हमारे तोते वाले होते थे। देखिए, इनमें जो है ना, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक मैथ्स के ऊपर है, ये पूरी एक साइंस है, इसके पीछे बहुत अरिथमेटिक है, इसको सीखने में सालों साल लग जाते हैं। और बढ़िया चीज़ ये होती है कि अगर आप इसको जान लेते हैं तो आप जिंदगी के इतने रहस्य जो है, जो हमारे को परेशानी है, भी हम परेशानी क्यों है हमारे को, वो जानना चाहते हैं। हमारे क्या पास्ट कर्माज हैं, देखिए हम बोलते हैं कि हमारे जो कर्माज है कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो जिंदगी में, है ना, हमारा लाइफ का जो लाइफ है, डेथ का जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो ऑब्वियसली इस जीवन में भी हम पिछले कर्मों को लेके आए हैं, और वही कर्म कुछ जो है हम इस जिंदगी में उनको पूर्ण करेंगे, और कुछ नए कर्म जुड़ेंगे और वो आगे की जिंदगी में लेके जाएंगे। तो हमारा कर्मों का क्या हिसाब है, क्या वो भाग्य में इस समय इस जीवन में हमें क्या मिलेगा, उस सारे रहस्यों को जानने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया साइंस और कोई है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नवनीत जी, यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी, जब कहते हैं कि हम जन्म लेते हैं तो उसके साथ में एक वो पत्री सी बनती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका जो बन जाती है कुंडली। तो क्या ये स्टार्स, जो स्टार्स उस टाइम उस दशा में होते हैं, वो आपके साथ जुड़ते हैं, तो वो सारी जिंदगी आपके साथ जुड़े रहते हैं? तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है कि वो जो कुंडली आपकी, जन्म कुंडली की आप बात कर रहे हो, तो जन्म कुंडली तो देखिए आपकी फिक्स्ड है, क्योंकि उस समय आपका जन्म हुआ
तो उस समय का वो जो है ग्रहों की स्थिति है कि भाई बृहस्पति जो है वो यहाँ पे बैठे थे, शनि यहाँ पे बैठे थे, बुध यहाँ पे बैठे थे, आपके जो है सूर्य यहाँ पे थे, राहु यहाँ पे थे, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रह तो मूव करते रहते हैं। सुबह हम देखते हैं कि ईस्ट से सूर्य निकलते हैं और वेस्ट में चले जाते हैं, चंद्रमा जो है वो चलते रहते हैं। हमने सुना है कि जैसे अपना जुपिटर है कभी विजिबल हो जाए कभी फिर दूर चले जाते हैं, शुक्र भी इसी तरह से मूव करते हैं। सो सारे ग्रह मूव करते रहते हैं। जो मूव करते हैं उनको हम ट्रांजिट चार्ट कहते हैं। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं कैलकुलेशंस की अभी मैं बात कर रहा था, तो इसमें देखिए जो आपके लगन कुंडली है जिसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं, जन्म कुंडली है, इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, कोई जन्म कुंडली बोलता है, कोई लगन कुंडली बोलता है, कोई D1 चार्ट बोलता है। अब वो तो आपकी फिक्स्ड है, उसने फिक्स कर दिया भी आपको ये मिलना है, ठीक है, लेकिन वो कब मिलना है वो तो ग्रह हमें आगे देंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे हम बात करते हैं भाई 21 ईयर्स है हमारे इंडिया में शादी के लिए लड़कों की और 18 साल होते हैं लड़कियों की शादी के लिए। अब हमारे लगन कुंडली में तो बता दिया कि भी शादी का योग है, लेकिन वो योग देखिए वो योग कब आएगा लीगली जो है, अगर लड़कों की बात करूं तो 21 साल के बाद लीगली शादी करते हैं, उसके बाद तो आज अब तो बाल विधवा होता ही नहीं है, तो वो 21 साल के बाद ही शादी होगी। अब वो क्या 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है कि 36 साल है, वो हमें पता लगेगा हमारी गोचर कुंडली से जो ट्रांजिट चार्ट होता है। तो ट्रांजिट चार्ट बताता है कि अब ये चीज आपको मिलनी थी और उसका समय आ गया है, अब आपको मिलने वाली है। तो वो दोनों के कनेक्शन हमें बनाना पड़ता है, दशाएं देखनी पड़ती हैं जिसको हम विषुवत्री दशा कहते हैं, और उससे हमें जो मैंने आपको बताया ना इसमें बहुत मैथमेटिक्स और बहुत कैलकुलेशंस है, और उसी कैलकुलेशन से हमें ये सारा पता लगता है कि ये इवेंट्स आपके लाइफ में अब घटित होंगे। रमेश जी यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर जिंदगी में कहीं पर किसी को जो भी लाइफ के अंदर कुछ परेशानी चल रही है, अपने काम काज को लेकर चल रही है, पैसों की वजह से लेकर चल रही है, या घर में कलह कलेश चल रहा है, या कोई बीमारी की वजह से कोई परेशान है, या कोई बिजनेस की वजह से परेशान है, तो उसके लिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैसे आप मदद करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है कि आपकी हमें जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने पेपर टेस्ट देने के लिए जाना है तो हमारे को एक पेन चाहिए एक पेपर चाहिए तो हम जाके उस टेस्ट को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल किस किस तरह के सवाल या किस तरह की तैयारी करके हमें आपसे कनेक्ट होना पड़ेगा। सो बेसिकली आप जो मुझे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज है आपकी डेट ऑफ बर्थ, दूसरी चीज है आपके टाइम ऑफ बर्थ, और तीसरी चीज है आपके प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ से जो है हम वहाँ का उस एरिया का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाते हैं जिससे हमारे जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स आते हैं। तो तीनों चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं और इन तीनों चीज़ों के बेस के ऊपर आपकी लगन कुंडली बनती है और आपकी सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो होती हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नवनीत जी, पता क्या इस चीजों के लिए हम बहुत डिटेल में, क्योंकि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बातचीत करी हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा, एक इंट्रो था, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो हमारे लिसनर है अगर आपसे जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? तो बिल्कुल, तो वो मेरा मेरा फोन और व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा पूरा नाम है एस्ट्रोलॉजर नवनीत खन्ना, और जी मेरा इंडिया का जो फोन नंबर है वो है 9417884861। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडिया का नंबर है 9417884861, 9417884861, और आपको वो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, राइट? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, तो इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा फोन नंबर है 9417884861। बहुत बढ़िया नवनीत जी, आज मजा आ गया आपके साथ बात करके, क्योंकि आज एक हमारी इंट्रो थी और हम इसके ऊपर एक एक दिन पूरा शो करेंगे और बहुत सारे सवाल लेंगे, अपने लिसनर्स के भी लेंगे जो हमारे साथ ऑन एयर पूछना चाहेंगे आपसे कोई सवाल, तो उस दिन पूरा एक शो बकायदा इसके ऊपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर किया जाएगा। जरूर पंकज जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, और आपके सुनने वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार और भगवान सब की
घरों में खुशियां भरें, नए साल आ रहा है 2024 और सबको जो है खुशियां मिले, तो यही मेरी दिल से कामना है। थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप कॉल करना चाहें नवनीत जी को तो आपको इंडिया का नंबर व्हाट्सएप डायल करना पड़ेगा 9417884861। और अगर आपसे नंबर मिसप्लेस हो जाए आप स्टूडियो में भी कॉल करके नंबर को ले सकते हैं। नवनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू पंकज जी, नमस्कार नमस्कार।